हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारे चैनल नॉन टेक टेक विथ एसएन वाई में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट वन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग भी सॉल्व करिएगा इसमें, और कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे PSC हो गया, ALP हो गया, GATE हो गया, इससे रिलेटेड हमने MCQ रखा है, SSC JEE। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक एकदम है, बेसिक पार्ट जिसको बोलते हैं। बेसिक में देखिएगा आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट। तो मैं बता दूं, देखिए इसमें कौन कौन सा हो सकता है आप लोग भी गेस करिएगा। ऑप्शन ए है नट एंड बोल्ट, स्पॉकेट एंड चैन, एक्सल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं कि जो पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट है वो है हमारा स्पॉकेट एंड चैन। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैकेनिज्म एंड शेप्स ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स फॉर अ मशीन टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट इज कॉल्ड एज। क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं सिंथेसिस, सी नंबर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज एन आइडलर गियर यूज्ड इन गियर ट्रेन्स। हम लोग आइडलर गियर क्यों यूज करते हैं गियर ट्रेन्स में, तो इसका रीजन है कि टू हैव रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, आइडलर गियर का, किसमें, गियर ट्रेन्स में। आइडलर गियर का गियर ट्रेन्स में हम लोग काहे के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमको रोटेशन को के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रोटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स फॉर बेल्ट ड्राइव्स। तो कौन सा फॉल्स है, इसमें फॉल्स पूछा है। ठीक है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, डी ऑप्शन। बेल्ट ड्राइव इज यूज इन एप्लीकेशन हैविंग कॉन्स्टेंट स्पीड ड्राइव, ये गलत है। ठीक है, बेल्ट ड्राइव हैव लो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, ये भी गलत है। बेल्ट ड्राइव नीड कंटिन्यूस लुब्रिकेशन, अगर लुब्रिकेट करेंगे बेल्ट ड्राइव में तो वो तो पट्टा उतर जाएगा ना। बेल्ट ड्राइव कैन बी यूज टू एक्सट्रीमली हाई स्पीड, ये बस सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, क्या बोल रहा है, विच फ्लैट बेल्ट ड्राइव सिस्टम हैज टू पुलीज माउंटेड ऑन ड्रिविंग शाफ्ट एंड वन पुली ऑन ड्रिविंग शाफ्ट। तो ये किस में होता है, फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव में, किस में होता है, टू पुली माउंटेड ऑन ड्रिवन शाफ्ट, टू पुलीज माउंटेड ऑन ड्रिवन शाफ्ट एंड वन पुली ऑन ड्रिविंग शाफ्ट। तो ये क्या कहलाता है, फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव, क्या कहलाता है, फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा इसमें से सही है। तो एक्सल्स आर यूज टू ट्रांसमिट पावर, गलत है। शाफ्ट्स एंड एक्सल आर रोटेटिंग एलिमेंट, ये भी गलत है। शाफ्ट्स ट्रांसमिट पावर वाइल एक्सल डू नॉट ट्रांसमिट पावर, ये सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन शाफ्ट, इनमें से कौन सा मशीन शाफ्ट है। तो मैं बता दूं आपको कि लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो मशीन शाफ्ट केवल क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, मशीन शाफ्ट तुम्हारा केवल क्रैंक शाफ्ट है, सी नंबर, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, एट्थ नंबर है, मशीन एलिमेंट सच एज बेरिंग। बेरिंग क्या काम करता है, सपोर्टिंग टाइप का एलिमेंट होता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, बेरिंग का काम है सपोर्ट करना। द शाफ्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर सोर्सेज इज कॉल्ड एज।
क्या कहते हैं, लाइन शाफ्ट, क्या बोलते हैं, लाइन शाफ्ट, ठीक है, लाइन शाफ्ट। टेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, मशीन एलिमेंट सच एज बेयरिंग आर, मशीन एलिमेंट सच एज बेयरिंग आर, तो क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग टाइप एलिमेंट। पहले भी हम डिस्कस कर लिए कि बेयरिंग क्या होता है, हमारा सपोर्टिंग टाइप एलिमेंट है, ठीक है। इलेवेंथ नंबर, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिक्वायर्ड इन अ काइनेमेटिक चैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन गेट में आया था एक बार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन प्लेन कार्बन स्टील, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका अदानी ग्रुप का जब भी मतलब कोर कंपनी जब आएगी आपके मैकेनिकल के लिए तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका होता है लेस देन 1.7%, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना परसेंट होता है प्लेन कार्बन स्टील में, तो लेस देन 1.7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एलॉय, तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है कॉपर एलॉय की, तो देखिए वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होता ही है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, हाई स्ट्रेंथ ये नहीं होता है, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 13 का सी। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फेरस एलॉय कैन बी कास्टेड इनटू इंट्रिकेट शेप्स, तो ये क्या हो जाएगा इसका, कास्ट आयरन, ठीक है, सी नंबर इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंपोनेंट डिफॉर्मिंग प्रोग्रेसिवली अंडर लोड एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, द कंपोनेंट डिफॉर्मिंग प्रोग्रेसिवली अंडर लोड एट हाई टेम्परेचर, डिफॉर्मिंग अंडर लोड एट हाई टेम्परेचर, तो इसको क्या कहेंगे, क्रीप, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल इनेबल्स इट टू रेसिस्ट, क्या हो जाएगा, एब्रेशन ये भी सही है, पेंट्रेशन ये भी सही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये भी सही है, ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 17 क्या है, विच डिजाइन कंसिडरेशन डील्स विथ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा, एस्थेटिक्स, ठीक है, एस्थेटिक्स, विच डिजाइन कंसिडरेशन डील्स विथ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, तो एस्थेटिक्स। इन डिजाइन प्रोसेस विच प्रोसेस इज फॉलोड आफ्टर सेलेक्टिंग द मटेरियल, तो इसका क्या हो जाएगा, डिटरमाइनिंग मोड ऑफ फेलुअर, डिटरमाइन करते हैं हम लोग क्या, मोड ऑफ फेलुअर, डी नंबर, ठीक है, डिटरमाइनिंग द मोड ऑफ फेलुअर। 19 नंबर, अ फ्लैट सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई अ लेथ मशीन, अ फ्लैट सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई अ लेथ मशीन इफ द कटिंग टूल मूव्स, कब हो पाएगा ये, तो ये हो पाएगा जब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस, ये बी नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर बाय पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के द्वारा कौन सा किया जा सकता है, तो गियर भी बनाया जा सकता है, कटिंग टूल भी बनाया जा सकता है, बेयरिंग ब्रशेस भी बनाया जा सकता है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 21 क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मटेरियल इज नाइदर एडेड नॉर रिमूव बट इज डिफॉर्म इनटू डिजायर्ड शेप, तो ये 21 का बी, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कास्टेड कंपोनेंट्स, ये क्या हो जाएगा इसका, ये बेलो होल्स ये भी सही है, गैस कैविटीज ये भी, नॉन मेटेलिक इंक्रूजन्स ये भी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, कौन सी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है, तो इसका हो जाएगा टर्निंग, ठीक है, टर्निंग सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है।
beam engine mechanism is an example of beam engine mechanism जो है crank and lever mechanism में कौन सी है crank and lever mechanism में है कौन सी beam engine mechanism crank and lever mechanism में beam engine mechanism कौन सी है crank and lever mechanism last question according to Grassoff's law ये देखिए ये भी gate में पूछा हुआ question है मतलब इस concept पे पूछा हुआ एक question आया था According to Grassoff's law, in a four-bar chain, one link can complete a rotation only if. तो ये कब होगा? तो ये होगा sum of longest chain, longest and shortest link length. Sum of longest and shortest link length जब less than equal to होगा sum of the remaining two link length. ठीक है? तब ये हमारा सही होगा. तो ये हमारा इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा इसमें आप देख रहे थे नॉन टेक टेक विद हसन भाई अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करिए और इसके रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ आप बताना चाहें तो वो मुझे बता सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Thanks again.